गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स का, वो आपको समझ आया होगा एंड आप प्रेपरेशन भी कर रहे होंगे एग्जाम्स की। तो नेक्स्ट अब हम आज पढ़ेंगे लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंशिएबिलिटी। राइट, सबसे पहले लिमिट। लिमिट क्या होता है? लेट अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो लिमिट की बात हम किसी पॉइंट पर बात करेंगे, एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। राइट, लेट एफ एक्स अगर कोई हमारे पास फंक्शन है, एफ एक्स अप्रोच कर रहा है किसी रियल नंबर एल को एज एक्स अप्रोचेस टू ए। यहां पर अप्रोच करने का क्या मतलब है कि हम ए की तरफ जा रहे हैं, ए को नहीं एग्जैक्टली ए वैल्यू नहीं ले रहे, ए की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, मतलब ए के बहुत ही नेबरहुड में वैल्यू ले रहे हैं, बहुत ही नजदीक वैल्यू ले रहे हैं। राइट, वो ए से थोड़ी बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है। राइट, सो वी से एज एक्स अप्रोचेस टू ए, हमारा एफ एक्स जो है वो एक रियल नंबर को अप्रोच कर रहा है। सो देन वी से लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब एज एक्स अप्रोचेस टू ए इज एल। राइट, तो ऐसे लिखते हैं हम लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट इज एल। राइट, अब जरूरी नहीं है कि लिमिट हमारे पास एग्जिस्ट करे। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है? द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड दोनों क्या हो हमेशा ही इक्वल। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? हमेशा इक्वल। अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होता है? सी, हमारे पास कोई पॉइंट है ए, तो हम इस पॉइंट पर, ये रियल नंबर रियल लाइन पर है कोई पॉइंट, इसकी तरफ हम दो तरीके से, दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकते हैं, एक राइट हैंड साइड से और एक लेफ्ट हैंड साइड से। जो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे मींस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द लेफ्ट, वो लेफ्ट के लिए हम क्या साइन लगा लेते हैं? ए के ऊपर माइनस। सो एफ एक्स दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम द राइट, सो ए के ऊपर प्लस साइन एफ एक्स। ठीक है, अब जब राइट से अप्रोच करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है जो वैल्यूज होंगी वो ए से बड़ी होंगी और लेफ्ट हैंड साइड से जो वैल्यूज अप्रोच करेंगे तो वो ए से छोटी वैल्यूज होंगी। So this is left hand limit and this is right hand limit. These both should be equal. अगर हमने किसी function की limit को exist कराना है, मतलब अगर function की कोई limit किसी point पर exist तभी करेगी जब उसकी left hand limit और right hand limit भी finitely exist करे और दोनों की value क्या आए? हमेशा equal. ठीक है, एक और चीज, लिमिट ऑफ ए फंक्शन मे एग्जिस्ट, किसी भी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है इवन इफ फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। कि अगर उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड ना भी हो तो भी हमारे उस पॉइंट पर जो लिमिट की जो पॉइंट पर जो लिमिट है फंक्शन के वो एग्जिस्ट कर सकती है। राइट, फिर नेक्स्ट अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए कोई दो फंक्शन है उनका सम या उनका डिफरेंस, उसकी लिमिट किसके इक्वल हो जाएगी? वो अलग अलग हो जाएंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। ठीक, मतलब इधर एक्स है ना, बस उसके साथ लिमिट लग जाएगी, जिधर भी हमारा फंक्शन एक्स होगा उसके साथ लिमिट लग जाएगी। तो अगर कोई फंक्शन प्रोडक्ट में भी हो एफ एक्स इन टू जी एक्स,
तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। ठीक है, अब कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस हो, कोशेंट फंक्शन एफ एक्स अपॉन जी एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। अब जिधर भी हमारा x होगा उसके साथ लिमिट लग जाएगी, बस दैट्स इट, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स की पावर जी एक्स हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स पावर में लिमिट x अप्रोचेस टू a जी एक्स। फिफ्थ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए अगर कोई कांस्टेंट हो, अब कांस्टेंट में तो एक्स है नहीं तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और लिमिट किसके साथ लग जाएगी, एफ एक्स, ये फंक्शन है। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a पर कोई फंक्शन का फंक्शन हो, मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन हो, तो भी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ, सॉरी f ऑफ लिमिट x अप्रोचेस टू a gx। ठीक है, अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं हमारे पास जो कि क्वेश्चन करते वक्त काफी हेल्प करेंगी, लाइक लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये भी वन होता है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो टेन इनवर्स अपॉन एक्स ये भी वन होता है, राइट। थर्ड, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो a की पावर x माइनस वन अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, लॉग a टू द बेस e, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो e की पावर x माइनस वन अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है, वन। लिमिट x अप्रोचेस टू a, सॉरी x अप्रोचेस टू जीरो log of 1 plus x upon x की वैल्यू भी 1, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log टू द बेस a 1 plus x upon x इसकी वैल्यू क्या होती है, log e टू द बेस a। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, इसकी वैल्यू क्या होती है, n इंटू a की पावर n माइनस वन। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग द लिमिट्स, लिमिट्स को इवैल्यूएट कितने मेथड से कर सकते हैं, उसके काफी मेथड्स हैं, लाइक जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड है, हमारे पास रैशनलाइजेशन मेथड है,
हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, हमारे पास एक एल हॉस्पिटल रूल है जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कि अगर कोई दो फ्रेश अगर कोई रैशनल फंक्शन है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स जी एक्स, वो कैसी बन जाए, इज ऑफ जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, ये सब क्या होती है हमारे पास, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, राइट, जिनको आप इजिली डिटरमाइन नहीं कर सकते, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। और भी होती है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, लाइक जीरो की पावर जीरो, वन की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये सारे क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है, राइट। तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन रैशनल फंक्शन जीरो बाय जीरो या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का बन गया, मतलब हमने जब लिमिट पुट करी तो ऊपर डिनोमिनेटर में भी जीरो और न्यूमरेटर में भी जीरो या इन्फिनिटी बन जाए, तो इस लिमिट को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, तो इस लिमिट की वैल्यू होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जो ऊपर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर दीजिए, आप उसका डेरिवेटिव ले लीजिए, एफ डैश एक्स अपॉन, और जो नीचे फंक्शन होगा उसको भी डिफरेंशिएट कर दीजिए। यहाँ पर क्वोशेंट रूल नहीं लगाना है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करना है, फिर लिमिट लीजिए। अगर फिर से ये जीरो बाय जीरो है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का बन गया, तो फिर से डिफरेंशिएट करते रहिए, ठीक है। अगर जब तक हमारे पास कोई फाइनाइट वैल्यू ना मिल जाए या डिफाइंड, मतलब ये जीरो भी आ सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है, बट ये जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं मिलनी चाहिए, जब तक ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना मिले तब तक आप डिफरेंशिएट करते जाइए, राइट। जैसे एक एग्जांपल से देख लीजिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसमें देखिए, अगर हम कॉस अगर एक्स को जीरो पुट करते हैं तो वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो, राइट। सो यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए कॉस एक्स का माइनस साइन, सो माइनस माइनस साइन, ये हो गया साइन एक्स अपॉन टू एक्स एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब फिर से जीरो पुट कर रहे हैं तो ऊपर भी जीरो बन रहा है, नीचे भी जीरो बन रहा है, तो इट मीन हमें अगेन डिफरेंशिएट करना होगा, फिर से एल हॉस्पिटल रूल, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और टू एक्स का टू, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब जब जीरो पुट करेंगे तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, वन, तो वन अपॉन टू, तो इस लिमिट की क्या वैल्यू है, वन अपॉन टू। ये काफी यूजफुल है ये सारे, जो भी अभी हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स भी जो लिखी थी साइन एक्स, वो भी सारी इसी से डिराइव हुई है। देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, अभी जीरो जब पुट करूंगा तो साइन जीरो 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 अपॉन जीरो, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आया, कॉस एक्स, और एक्स का कितना हो गया वन, तो एक्स को जीरो पुट किया तो कितना हो गया वन। सिमिलरली टेन एक्स अपॉन टेन एक्स, टेन एक्स अपॉन एक्स, उसका भी सीकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, सीकेंट जीरो वन होता है तो उसकी वैल्यू भी वन आएगी। जितने भी वो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट थी उसमें मोस्टली एल हॉस्पिटल रूल का यूज किया गया है। Now, if limit x approaches to a, f x की पावर जी एक्स, अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन आ जाए, फंक्शन की पावर फंक्शन, और उसकी लिमिट निकालनी हो किसी पॉइंट पर, और वो बन जाए इज ऑफ वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म का, वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म, इट मीन्स दैट इज, अब ये जो लिमिट x approaches to a, f x है, इस लिमिट की वैल्यू वन हो गई है, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स ये क्या हो गया है, अनडिफाइंड, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस लिमिट को कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसकी वैल्यू होगी लिमिट की, वो क्या होगी, ई
पावर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जो अंदर फंक्शन है एफ एक्स, माइनस वन कर दो इंटू जो पावर में फंक्शन था इंटू जी एक्स, ये इस फंक्शन की लिमिट की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन बाय एक्स। देखिए एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये किधर बन गया वन, और ये क्या हो गया वन अपॉन जीरो, दैट इज ये बन गया वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म का। तो इट मीन इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स कितना है वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स कितना है वन अपॉन एक्स, तो ये कितना हो गया वन माइनस वन एक्स अपॉन एक्स वन हो गया, तो ई की पावर वन, दैट इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी ई। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके रिगार्डिंग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स। अभी देखिए पहले तो देखने से ये लिमिट तो वन हो रही है राइट, ये वाली लिमिट, अभी जब एक्स एक्स को जीरो पुट करूंगा तो ये भी जीरो हो रहा है, ये भी जीरो हो रहा है राइट। बट यहाँ देखिए अगर मैं इधर ऊपर वाली लिमिट की बात कर रहा हूं, मैं अभी साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, इधर मैं एक्स से डिवाइड कर दूं और एक्स से ही मल्टीप्लाई कर दूं राइट, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये वन हो गया। ठीक है, और इस एक्स को मैं ये जो यहां था एक्स इसको यहां ले गया, ये x अपॉन एक्स ये कितना हो गया वन, वन माइनस, और साइन x अपॉन एक्स की लिमिट ये भी वन होती है, तो ये क्या वन अपॉन जीरो दैट इज इंफिनिटी। तो एक्चुअली में ये लिमिट क्या बन रही है अनडिफाइंड, तो ये भी कौन सी हो गई वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म की। ठीक है, ये भी हो गई वन की पावर इंफिनिटी फॉर्म की, तो ये क्या हो गया इसकी वैल्यू क्या आएगी e की पावर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स क्या है मेरे पास साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स क्या है साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन एक्स, ये लिमिट बनी। अब यहां देखे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए की पावर में साइन एक्स माइनस एक्स हो जाएगा अपॉन एक्स साइन एक्स, यहां क्या है एक्स माइनस साइन एक्स, ये कट गया माइनस रह जाएगा इधर, और ये साइन एक्स अपॉन एक्स एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन, तो ये क्या हो गया ई की पावर माइनस वन, तो इस लिमिट की क्या वैल्यू आई ई की पावर माइनस वन। ठीक है, आइए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू सो ऑन अप टू एन अपॉन एन स्क्वायर, इस लिमिट की क्या वैल्यू होगी। देखिए लिमिट की क्या वैल्यू होगी, ऊपर जो है न्यूमरेटर में वो क्या है दिस इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो वो क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन एन स्क्वायर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये एन से एक एन कैंसिल, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ये कॉन्स्टेंट है वन बाय टू तो इसको लिमिट के बाहर ले आए, और एन प्लस वन अपॉन एन तो इसको वन प्लस वन बाय एन ऐसे लिख सकते हैं। नाउ एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी तो वन अपॉन इंफिनिटी ये क्या बन गया जीरो, तो इस लिमिट की क्या वैल्यू आई वन अपॉन टू। ठीक है, ये सिंपल ही था। नेक्स्ट लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा
साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर। ये हमारे पास लास्ट ईयर लास्ट टाइम जो पेपर में आया है वो क्वेश्चन है ये। तो साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा अपॉन अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर, इसको कैसे करेंगे? साइन स्क्वेयर अल्फा माइनस साइन स्क्वेयर बीटा, इसका कोई फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसको भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, राइट? अब नाउ सी, एज अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन दिस अपॉन दिस, ये लिमिट क्या हो जाएगी? वन, बिकॉज हमें पता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? वन। अब ये जरूरी नहीं कि यहाँ हमेशा जीरो ही होनी चाहिए लिमिट। अगर मैं लिख देता एक्स अप्रोचेस टू टू साइन ऑफ एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू, तो इस लिमिट की वैल्यू भी क्या होती? वन। जहां को भी हमारे पॉइंट जो है, जहां भी हमारी लिमिट है, राइट, जिधर भी हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है, अगर साइन के साथ जो एंगल है वो भी क्या हो, वो जीरो बन जाए और वही चीज डिनोमिनेटर में भी हो, तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या बनती है? वन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या, अल्फा अप्रोचेस टू बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा ये जीरो, और यही चीज नीचे भी है, तो इस लिमिट की वैल्यू के आगे पूरी वन हो गई लिमिट की वैल्यू। तो क्या बचा? लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू बीटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा को बीटा पुट कर दो तो क्या आ गया? साइन ऑफ टू बीटा अपॉन टू बीटा। ठीक है, मेन ये है कि लिमिट लगानी आनी चाहिए, कब कौन सी लिमिट लगाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू थ्री एक्स माइनस थ्री मॉड अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसकी लिमिट की वैल्यू। ये भी लास्ट टाइम एग्जाम में आया था। अब सी, हमें पता है मॉड एक्स क्या होता है? इट इज एक्स व्हेन एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस एक्स व्हेन एक्स इज नेगेटिव, राइट? अब लेकिन अब क्या मॉड एक्स माइनस थ्री है? So nothing, कुछ नहीं, x की जगह x माइनस थ्री है, तो x माइनस थ्री व्हेन x माइनस थ्री इज पॉजिटिव, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड माइनस ऑफ x माइनस थ्री व्हेन x इज लेस देन थ्री। ठीक है, मॉड जो है वो ब्रेक हो जाता है हमारा फंक्शन। ठीक, तो वहां है x माइनस थ्री अपॉन x, मॉड ऑफ x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री। ठीक है, तो ये भी ब्रेक हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। तो अगर मुझे x माइनस थ्री मॉड अपॉन x माइनस थ्री करना है तो वो क्या हो जाएगा? x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री एंड माइनस ऑफ x माइनस थ्री अपॉन, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही रहेगा, x माइनस थ्री व्हेन x इज लेस देन थ्री। ये क्या हो गया? x माइनस थ्री अपॉन x माइनस थ्री वन, और ये क्या हो गया? माइनस वन व्हेन x इज ग्रेटर देन थ्री एंड व्हेन x इज लेस देन थ्री। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है, ये हमारे पास ये फंक्शन दिए कि भाई जब x तीन या तीन से बड़ा है तो इस फंक्शन की वैल्यू वन है, और जब x तीन से छोटा है तो इस फंक्शन की वैल्यू माइनस वन है। तो इट मीन्स, अब हमें पता है मोस्टली, अब यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का, बिकॉज हमें लिमिट बतानी है, लिमिट क्या होगी इसकी। अब जरूरी तो नहीं कि लिमिट एग्जिस्ट करे हर एक फंक्शन की, तो लिमिट चेक करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है और राइट हैंड लिमिट देखनी है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? That is limit x approaches to तीन पर, थ्री पर देखनी है, तो लेफ्ट लेफ्ट लिमिट मीन्स थ्री पर लेफ्ट से अप्रोच करना है। अब लेफ्ट से अप्रोच करना है इट मीन्स थ्री से छोटी वैल्यूज, तो जब थ्री से छोटी वैल्यूज है तो फंक्शन क्या है मेरे पास? माइनस वन, माइनस वन, तो ये तो माइनस वन ही रहेगा, इसमें x तो है नहीं, कॉन्स्टेंट है ये। और राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू थ्री फ्रॉम राइट, मतलब थ्री से बड़ी वैल्यूज आएंगी, तो सिर्फ थ्री से बड़ी वैल्यूज है तो फंक्शन क्या है? वन, इट इज वन। तो ये एक माइनस वन है, एक वन है, तो दोनों इक्वल नहीं है। इट मीन्स दिस लिमिट डज नॉट
एग्जिस्ट। देखिए ठीक है, समझ गए। जब भी मॉड फंक्शन आएगा या कोई भी ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन आएंगे, इनको बोलते हैं पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, मतलब जिनके ब्रेक हो जाते हैं जो फंक्शंस, राइट। तो वहां पर हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। वहां पर हमें चेक करना ही होगा कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अगर इक्वल नहीं आ रही है देन वी विल से कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ई की बार एक्स माइनस ई की बार माइनस एक्स अपॉन टू, इसलिए सॉरी टू नहीं एक्स। अब इस लिमिट को कैसे करेंगे, अब देखिए एज एक्स अप्रोच जब जीरो पुट कर रहे हैं हम तो वन माइनस वन जीरो अपॉन जीरो बन रहा है, तो जब भी जीरो अपॉन जीरो बने तो क्या लगा दो, एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलते हैं, जो न्यूमरेटर में है उसका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएट करो, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x और e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर x, तो माइनस माइनस प्लस e की पावर x और नीचे x का क्या हो जाएगा 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 0 तो e की पावर 0 1, 1 प्लस 1 दैट इज लिमिट क्या आ गई 2। ठीक है, ये काफी इजी सा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, एफ एक्स क्या है मेरे पास फंक्शन, एफ एक्स फंक्शन है 3x plus 5, 2x plus a, when x is greater than 1 and when x is less than 1, so that the limit of the function this at x is equal to 1 exists। हाँ, मुझे a की वैल्यू निकालनी है, मुझे दे रखा है कि जो फंक्शन की जो लिमिट है किस पर, a पॉइंट पर, 1 पॉइंट पर, वो क्या करती है एग्जिस्ट करती है। तो इट मीन्स वही बात है, इसमें दे रखा है एग्जिस्ट करती है, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगी इक्वल। लेफ्ट हैंड लिमिट मींस दिस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, दिस वन 2x plus a, दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम द राइट, तो ये फंक्शन लेंगे दैट इज 3x plus 5, सो 1 पुट कर दो ये आ जाएगा 2 plus a, इधर भी 1 पुट कर दो 3 plus 5 8, तो a की वैल्यू क्या आ गई 6। ठीक तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए, और ये जो पॉइंट होता है ये फंक्शन की डोमेन में से होना चाहिए, राइट। बट लिमिट के लिए ऐसा कोई केस नहीं था, लिमिट हम किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, जो पॉइंट हमारा फंक्शन की डोमेन में ना भी हो उस पॉइंट पर भी हम लिमिट निकाल सकते हैं।
बट कॉन्टिन्यूटी की जब भी बात होगी तो वो जो पॉइंट होगा वो डोमेन में से ही होना चाहिए, फंक्शन की डोमेन में से ही होना चाहिए पॉइंट। सो कब अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, इफ किसी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसका मतलब है कि फंक्शन की उस पॉइंट पर लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल, राइट। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। और वी कैन से फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस कब हो जाएगा फिर, इट मीन जब इनमें से क्या होगा, या तो फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं होगा, या तो फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या तो फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, डिफाइंड भी होगा, पर इन दोनों की वैल्यू क्या ना हो, सेम हो, राइट। तब हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल। पहले लेते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल पे बात करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो ओपन इंटरवल पे फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए टू बी इंटरवल। अगर इस फंक्शन इस इंटरवल के हर एक पॉइंट पर क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो, तो हम बोलेंगे फंक्शन क्या है, पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस हो। इट मींस हर एक पॉइंट पर क्या आ रही हो, फंक्शन की लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही हो, इक्वल हो, राइट। और कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल पे अगर बात करनी हो तो वो कब होगा, इफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन ए बी। पहली बात तो ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम दी राइट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब देखिए ए की तरफ मैं राइट से ही अप्रोच कर सकता हूँ, लेफ्ट से अप्रोच नहीं कर सकता, बिकॉज अगर लेफ्ट से अप्रोच करूंगा तो वो जो वैल्यूज होंगी वो तो इससे बाहर होंगी, और अभी हमने बात की जो कॉन्टिन्यूटी की बात होगी वो उन्हीं पॉइंट पर हो सकती है जो डोमेन में हो, राइट। तो डोमेन इसकी ये है, तो इट मीन्स मैं सिर्फ ए को मैं सिर्फ राइट से ही अप्रोच कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई मैंने ए पर राइट हैंड लिमिट निकाली, वो वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के इक्वल आनी चाहिए, एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू बी फ्रॉम लेफ्ट, और बी को मैं किधर से अप्रोच करूंगा, लेफ्ट से, इसकी लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ बी, उस फंक्शन की इस पॉइंट पर वैल्यू, राइट। तो क्लोज इंटरवल के लिए ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूस तो होना ही चाहिए, साथ में ए पर लिमिट, ए पर राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए, एंड बी पर लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू बी। तब जाकर हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो क्लोज इंटरवल पर क्या है, कॉन्टिन्यूस है। और एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, मतलब वो किसी भी रियल, मतलब हर एक रियल लाइन, पूरी रियल लाइन पर पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, मतलब हर एक रियल नंबर पर। एंड मॉड्यूलस फंक्शन एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये सारे जो फंक्शन हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, आर कॉन्टिन्यूअस इन देयर डोमेन। ये अपने अपनी डोमेन में क्या होते हैं, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन।
नेक्स्ट आ जाते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पर। डिफरेंशिएबिलिटी कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा किसी पॉइंट पर, राइट। द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, यहां पर भी जो पॉइंट है ए वो क्या होना चाहिए, डोमेन का पॉइंट होना चाहिए, राइट। और वो एंड पॉइंट नहीं हो सकता लेकिन डोमेन का, वो एक इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, राइट। एंड पॉइंट नहीं हो सकता, इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए, राइट। जैसे अगर इंटरवल ए टू बी की बात की जाए तो ए और बी पर नहीं मैं बता सकता, ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर सकता हूँ। सो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, और हम बोलें कि जो एफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट। कौन सी लिमिट? लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली। कि अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करे तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है एट दिस पॉइंट, और इसी लिमिट को ही क्या बोलते हैं हम, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट पॉइंट ए, राइट। एफ डैश ए से डिनोट करते हैं, और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैं x को a प्लस h सब्सटीट्यूट कर दूं तो सी एज x अप्रोचेस टू a h अप्रोचेस टू 0, तो इस लिमिट को मैं लिख सकता हूं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h, राइट। और बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इट मींस हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर उनको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं बोलते, उनको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, वो भी एग्जिस्ट करने चाहिए फाइनाइटली, और क्या होने चाहिए, इक्वल। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट अगर मैं इससे बताऊं, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट एफ ऑफ ए माइनस एच, बिकॉज लेफ्ट से जो वैल्यूज होंगी वो ए माइनस एच होंगी, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, जहां पर ये जो एच होता है इट इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर, बहुत ही छोटा होता है बट पॉजिटिव होता है। तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, और यही फंक्शन का क्या होता है, डेरिवेटिव, ठीक। अगर मैं ग्राफिकली बात करूं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा किसी पॉइंट पर, अगर कोई मेरे पास कर्व है दिस y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर मुझे इस पॉइंट पर देखना है एट x इज इक्वल टू सम पॉइंट a, राइट, तो मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अब बिकॉज हमें दिख रहा है किसी एक पॉइंट पर हमें एक ही टेंजेंट मिल रहा है, तो तब हम बोलेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल। मतलब इफ वी गेट अ यूनिक टेंजेंट at point x is equal to a, then we say कि जो function fx है is differentiable at x is equal to a। तभी मैंने बोला था कि हम इसकी अंदर points की बात कर सकते, end की नहीं बात कर सकते, because end में मुझे unique tangent नहीं मिलेंगे। अगर ये end points हैं तो इस पर मुझे unique tangent नहीं मिलेंगे मुझे, तभी मैंने बोला था कि जो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी की बात होती है वो सिर्फ इंटीरियर पॉइंट्स पर ही हो सकती है, ना कि एंड पॉइंट्स पर, फंक्शन की डोमेन के, ठीक। तो अगर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट मिलेगा, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन क्या उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, राइट। सो देखिए, अगर मेरे पास कोई ऐसे कर्व आ जाए
मान लो ऐसा कर्व आ गया, तो इस पॉइंट पर देखिए एक नहीं मिले, मुझे यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो फंक्शन है ये बाकी सब पर तो डिफरेंशिएबल है, सिर्फ इस पॉइंट पर क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अगर मेरे पास मेरा कर्व स्मूथ रहा तो पॉइंट, तो वो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल, बिकॉज क्योंकि हर एक पॉइंट पर मुझे क्या मिलेगा, एक यूनिक टेंजेंट मिलेगा, राइट। लेकिन अगर कहीं पर भी ब्रेक आ गया या कॉर्नर आ जाए तो उस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ग्राफिकली बता रहा हूँ कि अगर कर्व स्मूथ रहा, कहीं पर भी कोई ब्रेक कॉर्नर या एंड नहीं आ गया, तो वहां पर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। बाकी स्मूथ रहा तो हर एक पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल, ठीक। और एक मेन रिजल्ट है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ऑलवेज, हमेशा ट्रू नहीं है कन्वर्स, बट ये हमेशा ट्रू है कि हर एक जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस, पर कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का ट्रू मीन्स कि हर एक कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, हमें पता है मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये ग्राफिकली भी देख सकते हैं, यहां पर क्या आ रहा है, एक शार्प एंड आ रहा है, तो इस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होना था, पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है। कॉन्टिन्यूअस हम ऐसे भी देखते हैं ना कि कहीं पर भी ब्रेक ना आ रहा हो, राइट, कि अगर हमने एक पेन को ग्राफ बनाया है, हमें पेन को उठाने की जरूरत ना पड़े, कॉन्टिन्यूटी है ग्राफ में, कहीं भी ब्रेक नहीं आया है, तो कॉन्टिन्यूटी तो है, तो इट मीन्स हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है। बट बिकॉज यहाँ पर फंक्शन क्या है, ब्रेक आ गया, कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको वैसे भी देख सकते हैं हम, अब देखिए एफ एक्स है, हमें पता है मॉड एक्स इज वॉट, एक्स वेन एक्स इज पॉजिटिव एंड माइनस एक्स वेन एक्स इज नेगेटिव। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, तो जीरो फ्रॉम लेफ्ट के लिए मैं माइनस एक्स लूंगा और उसका डेरिवेटिव करो, तो माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आया, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू जीरो फ्रॉम राइट, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एक्स और एक्स का डेरिवेटिव वन, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन है, राइट हैंड डेरिवेटिव वन है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इट मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पर, जीरो पर, उसके अलावा हर एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है। सो दैट्स व्हाई ये जो थ्योरम बोल रही थी कि एवरी डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस होगा बट हर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी, जो कॉन्टिन्यूस होगा वो मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल, राइट, और जो कॉन्टिन्यूस ही नहीं होगा, नॉट कॉन्टिन्यूस, वो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं हो सकता। इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव कि डिफरेंशिएबल कॉन्टिन्यूस है, तो जो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है वो कभी डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक। क्वेश्चन लिखिए हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन when x is not equal to minus 1, when x is equal to minus 1,
इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू वन माइनस वन। लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, फंक्शन ये जो फंक्शन है क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूस दे रखा है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो कॉन्टिन्यूस दे रखा है, इट मीन्स जब दे रखा है कॉन्टिन्यूस सो इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू माइनस वन पर और फंक्शन की लिमिट माइनस वन पर क्या होनी चाहिए, इक्वल। माइनस वन पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, लैम्डा, वही निकालना है मुझे। तो इट मीन्स मुझे निकालनी है लिमिट फंक्शन की माइनस वन पर। तो माइनस वन पर देख सकते हो, माइनस वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आनी है और राइट हैंड लिमिट भी यही आनी है, राइट। तो इट मीन्स मुझे सिंपली लिमिट को कैलकुलेट करना है। तो इट वुड बी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन। अब ऐसा को मैंने एक्स को माइनस वन पुट किया, ये क्या आ जाएगा, वन वन माइनस थ्री माइनस टू प्लस टू जीरो अपॉन जीरो, जीरो अपॉन जीरो बन गया। तो इसको जैसे मर्जी करो आप, एल हॉस्पिटल से कर दो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, या ऊपर वाले के फैक्टर भी बन सकते हैं। ऊपर वाले के फैक्टर कैसे बनेंगे, एक्स प्लस वन और एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, ये कैंसल, एक्स को माइनस वन पुट किया तो आंसर क्या आ गया, माइनस फोर, ठीक है। या इसको अगर एल हॉस्पिटल से भी हो जाता, ऊपर को डिफ्रेंशिएट करो, टू एक्स माइनस टू अपॉन नीचे वन आ जाएगा, तो एक्स को माइनस टू पुट किया, माइनस टू माइनस टू माइनस टू, सो दोनों वे से सेम ही आंसर आना है, ठीक। सो लैम्डा की वैल्यू क्या हो गई, माइनस फोर। सो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इफ fx, if function fx x x is greater than 1 x square plus bx plus c when x is less than 1, ये function given है, is differentiable at x is equal to 1, ये 1 पर क्या दे रखा है, function differentiable है, then फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी की वैल्यूज निकालनी है हमें, फंक्शन क्या दे रखा है हमें, डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल दे रखा है। तो इसमें कैसे करेंगे हम, अब देखिए दो वेरिएबल्स निकालने हैं मुझे, तो एटलीस्ट दो कंडीशंस मुझे चाहिए ही चाहिए। दो कंडीशन कैसे आएगी, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल दे रखा है तो इट मीन्स फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस भी होगा। तो इट मीन्स फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आएंगी, इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट के लिए फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी जीरो नहीं वन, इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन फ्रॉम राइट, राइट के लिए फंक्शन क्या है, एक्स। यहां से क्या आया, वन पुट कर दो, जाएगा वन प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू वन, सो दिस इंप्लाइज b प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, एक कंडीशन ये आई। और अब दूसरी कंडीशन कहां से आएगी, डिफरेंशियबिलिटी से। डिफरेंशियबल गिवन है, डिफरेंशियबल गिवन है, इट मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मींस x अप्रोचेस टू वन फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, 2x plus b आएगा, और राइट हैंड का डेरिवेटिव करो तो वो तो क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन वन, वन हो गया, पुट कर दो वैल्यू तो आगे टू प्लस बी इज इक्वल टू वन, सो b कितना हुआ, माइनस वन, b माइनस वन हुआ तो c कितना हो गया, वन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं, इसमें डिफरेंशिएबल गिवन था, तो हमने डिफरेंशिएबल था तो जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कॉन्टिन्यूस भी होता है। तो इसमें पहले कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा दी कि लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो वहां से एक कंडीशन आई। फिर डिफरेंशिएबिलिटी मींस राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो वहां से दूसरी कंडीशन आई। तो दोनों कंडीशन से बी और सी की वैल्यूज आगे निकल गई। सो आई होप आपको मेरी वीडियो जो भी हमने पढ़ाया आज समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हैं, और हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।